खरपतवार, खेत में फसल के साथ उगने वाली वो घास फूस और पौधे जिन्हें अगर जल्दी उखाड़ कर न फेंका जाए तो वो पूरी फसल को बर्बाद कर सकते हैं। हमारे समाज में भी महिलाओं के साथ अपराध करने वाले अपराधी खरपतवार की तरह फैले हुए हैं और पूरे समाज की जड़ों को खोखला कर रहे हैं। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर उन्हें पहचाने और समाज से उखाड़ कर बाहर कर दें। हमारे देश में पिछले 3 सालों में महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में 12% का इजाफा हुआ है और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बहुत कम केसेस में देखने को मिलता है जब किसी औरत ने अपने साथ हो रहे अपराध के खिलाफ आवाज उठाई हो, लेकिन आज हम जिस महिला की बात कर रहे हैं वो एक मिसाल है। उसने न सिर्फ अपनी बेटी को बल्कि 6 और लड़कियों को अपराध का शिकार बनने से बचाया और एक बहुत बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया। ये कहानी है अंबिका की, जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव कारवी में रहती थी। आज आप फिर कहीं जा रहे हैं? हम आपसे पूछ रहे हैं। काम है। रोज शाम को ऐसा कौन सा काम रहता है? स्कूल चलाता हूं, आइसक्रीम का ठेला नहीं, हजारों काम होते हैं मुझे। अरे आप सीधे मुंह चुप। कहां थे अभी तक आप? नींद आ रही है, खाना लगा। हमसे कोई भूल हुई है का? भूल? कैसे भूल? आपने तो हमें पराया कर दिया है, हमारी तरफ देखते भी नहीं, ना बच्चों से बतियाते। कितनी बार समझाया तुम्हें, तुम घर में बैठ के खटिया तोड़ने वालों में से नहीं है। हम मेहनत करते हैं पैसा कमाने के लिए। ये घर में जो टीवी देख रही हो, फ्रिज देख रही हो, बच्चों की फीस देख रही हो, बच्चे के नए नए कपड़े देख रहे हो, कहां से आते हैं? इसके लिए हम मेहनत करते हैं, विद्यार्थियों की ट्यूशन लेते हैं हम। बच्चे सो रहे हैं, ट्यूशन लेते हैं तो अपनी ज्योति को क्यों नहीं ले जाते साथ में? नहीं ले जा सकते। क्यों? कह दिया ना एक बार, नहीं ले जा सकते मतलब नहीं ले जा सकते। अरे अपनी बेटी को ले जाने में क्या परेशानी है? बहुत हो गया, अब ज्यादा बकवास करेगी ना और मेरे सर पे चढ़ने की कोशिश करेगी तो याद रख, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रही थी कि हमारी ज्योति भी सीख जाती साथ में। एक बार तो उसे कह दिया कि ज्यादा बकवास मत कर, तू मेरी बीवी है, बीवी की तरह रह, पुलिस वाली मत बन। अगर मेरे काम के बीच तंग आएगी ना मैं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गई? पी ले बेटा। ज्योति घर का ध्यान रखना, हम अभी आते हैं।
है कोई आया है। खोले दरवाजा, खोले। हाँ मैं अंबिका। कामिनी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कामिनी तुम यहाँ क्या कर रही है? ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? तेरी हिम्मत कैसे हुई आने की? वो कामिनी वो क्यों भागी इस तरीके से? क्या कर रही थी वो यहाँ? खाली स्कूल में बंद कमरे में कौन सी पढ़ाई हो रही थी यहाँ पे? तो मुझसे सवाल करेगी? मुझसे सवाल करेगी? पति द्वारा पत्नी का दमन हमारे इस पुरुष प्रधान समाज का एक विकृत चेहरा है, और दुख की बात है कि ज्यादातर पत्नियां खुद पर या किसी और पर होने वाले इस जुल्म की मूक दर्शक बनी रहती। अंबिका के साथ जो हुआ, ऐसे ज्यादातर मामलों में महिलाएं डर कर सहम कर चुप बैठ जाती, कुछ नहीं करती। लेकिन अंबिका किसी और ही मिट्टी की बनी थी, वो इस अन्याय और अत्याचार को देख कर चुप नहीं बैठने वाली थी। यहाँ क्यों आई है? हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। तुम वहां क्या कर रही थी? तुम आपके हाथ जोड़ते हैं, आप ऐसे चली जाइए। डरो मत कामिनी, हमें बताओ, हम जानना चाहते हैं। हम आपको कुछ नहीं बता सकते, माफ कर दीजिए और चली जाइए यहाँ से। हम चले जाएंगे, हम सिर्फ एक बार तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे माँ बाबू जी को अगर इसकी भनक तक नहीं लग गई ना, वो हमारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे और खुद भी शर्म से कुएं में कूद कर मर जाएंगे। कामिनी को जरूरत थी अपने शिक्षक कमलेश्वर के खिलाफ कंप्लेंट करने की। अगर उसने पुलिस में शिकायत दर्ज की होती तो जोर जबरदस्ती करके किसी महिला की गरिमा का हनन करने के लिए आईपीसी की धारा 354 या फिर बलात्कार के जुर्म में आईपीसी की धारा 376 के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती थी और कामिनी बच जाती। लेकिन दुर्भाग्यवश कामिनी में अंबिका जितनी हिम्मत नहीं थी। माँ हम लोग कहाँ जा रहे हैं? दूर, बहुत दूर। अंबिका ने असाधारण हिम्मत दिखाई और अपने पति को छोड़ दिया। वो अपने बच्चों के साथ पड़ोस के गांव राजापुर में जाकर रहने लगी। अंबिका अपने बच्चों को कमलेश्वर के साई से भी दूर रखना चाहती थी, इसीलिए हर पल उनकी निगरानी करती। उधर पत्नी के जाने के बाद कमलेश्वर को पूरी आजादी मिल गई। उसने अंबिका को चरित्रहीन बताकर पूरे कारवी में बदनाम कर दिया। कमलेश्वर की एक और कमजोरी भी थी, वो बहुत जल्द अमीर बनने के लिए किसी शॉर्टकट की तलाश में था, और इस बात की भनक किसी और को भी थी। अरे आइए आइए मियां मंसूर, स्वागत है आपका हमारे स्कूल में। यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए आप? अरे सही, काफी दिनों से अपने यार की शक्ल नहीं देखी तो चला आया। और कैसा चल रहा है सब कुछ? अरे क्या सुनाए मंसूर मियां, बस चवन्नी अठन्नी निकाल लेते हैं इतना समझ लो। क्या मियां, सोने की खान पर बैठे हो और चवन्नी अठन्नी की बातें करते हो? कौन से सोने की खान की बात कर रहे हो मियाँ, यहाँ तो आधे विद्यार्थी फीस ही नहीं दे पाते। मैं फीस की बात नहीं कर रहा हूँ। तो? उस दिन डॉक्टर मंसूर से बात होने के बाद कमलेश्वर ने एक जाल बिछाना शुरू किया, लेकिन वो क्या करने जा रहा था इस बात की उसने किसी को भनक तक नहीं होने दी। सबसे पहले उसने अपने स्कूल से एक एजुकेशनल टूर के लिए कुछ लड़कियों को चुनना शुरू किया। अब वो घड़ी आ गई है कि आप लोगों को ये बता दिया जाए कि कौन कौन से विद्यार्थियों का चयन हुआ है। जिन विद्यार्थियों का चयन हुआ है उनका नाम इस प्रकार है, मैं बताता हूं। आरती, नुसरत, खुशबू, सुखमी, रानी, रीटा। मुबारक हो, आप सभी को मुबारक हो।
प्रवास के लिए चुनी गई लड़कियों को वो नए नए उपहार देकर खुश करने लगा। साथ ही साथ उसने लड़कियों के माँ बाप का विश्वास जीतना भी शुरू कर दिया। अरे मास्टर जी, आपने काहे तकलीफ की, चलिए चाय लीजिए। नहीं नहीं, चाय नहीं पीऊंगा। अब छुट्टी के बाद इसे रोका था, घर पर पहुंचाने की जिम्मेदारी भी तो मेरी थी। और एक बात याद रखिए, माता पिता और गुरु, इन तीनों का दर्जा एक समान होता है। जैसे मेरे लिए मेरी ज्योति है, वैसे मेरे लिए खुशबू। अच्छा चलता हूँ, और शैक्षणिक प्रवास की तैयारी अच्छे से करना। खाते क्यों नहीं? हर दिन वही दाल चावल। हमारे घर में सब्जी क्यों नहीं बनती? आज के दिन खा लो, कल कुछ ला देंगे सब्जी। इसे तो अच्छा हम बाबू के साथ थे, अच्छा खाना तो मिलता। क्या बोले, क्या बोली तू? खबरदार उस आदमी का नाम भी लिया रहो। मेरा बच्चा क्या कर रहा है बाबू? और ये देखो, तुम्हारे बापू ने तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। क्या? बहुत ही खूबसूरत बूंदे हैं। हाय, कितने सुंदर है बाबू, बहुत सुंदर है। हाँ? अच्छा लग रहा है ना मेरे पर? देखो देखो, अरे हाँ मेरी बिटिया तो बहुत सुंदर लग रही है। अब ये बता, ये बूंदे ही देखती रहेगी, अपने बापू को पानी वानी भी पिलाएगी? हाँ अभी लाएगी। बापू आप बैठो ना। ठीक। मैं आपके लिए चाय बना दियो। नहीं नहीं नहीं, तू बैठ, तू मेरे पास बैठ। तू तो जानती है ना बेटा कि तेरा बापू तुझसे कितना प्यार करता है, लेकिन तेरी मां वो तुझे मेरे पास आने ही नहीं देती। आज तुझसे बहुत ही खास बात करने आया हूं, लेकिन तुझे वादा करना होगा कि ये बात तू अपनी मां को नहीं बताएगी। ऐसी क्या बात है बापू? पहले वादा कर। वादा नहीं बताऊंगी। मैं ना तुझे घुमाने ले जाने वाला हूं। घुमाने? कहां? बहुत अच्छी जगह, बहुत ही खूबसूरत जगह। हाँ ना, बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं, झरने हैं, नदियां हैं, कितना मजा आएगा ना, है ना? अब अपने बापू को चाय नहीं पिलाएगी? अभी बना दियो। ज्योति माँ, ये ले बेटा, पानी लेके आ मेरे लिए। गोपाल नहीं आया अभी तक स्कूल से? आया था, रघु की खेत पर गया, अभी आ जाएगा। भाई आया था क्या? नहीं माँ, मैंने पी चाय, मैं चाय बना कर आती हूँ। ये बूंदे कहाँ से आई? ये बूंदे वो यहाँ भी पहुंच गया, राक्षस। हाँ डॉक्टर साहब, पैकेट तैयार है, कल लेके निकल रहा हूँ। सारा दिन मस्ती करते रहता है, जरा कुछ सीख अपनी बहन से। ज्योति, ज्योति कहाँ गई तुझे पता है? नहीं तो चल हम लोग जा रहे हैं। कहाँ? कारवी, तेरे बाप के पास। आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, चिंता मुक्त हो जाइए, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मास्टर जी,
जब साथ में आप जा रहे हैं तो चिंता काहे की? भाई मैं तो सभी लोगों से यही कहता हूँ कि प्रवास में एक लड़की के पिता नहीं, सात सात लड़कियों के पिता हैं। आप लोग निश्चिंत रहिए। चलिए बच्चों, चलिए चलिए, जल्दी 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 जल्दी। बाय 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 बाय। चलो चलो चलो। ठीक है, चलिए। बाय बेटा, बाय बाय, बाय बाय। नमस्ते भाभी, ज्योति आई थी यहाँ? नहीं तो। आपने उसे कहीं देखा है? नहीं, वो तो तेरे साथ राजपुर में रहती थी ना। नमस्ते, आपने ज्योति को देखा है कहीं? अरे वो तो गई। गई? कहाँ गई? प्रवास पे। कौन सा प्रवास? कौन ले गया उसे? अरे मास्टर जी लेके गए हैं उसे, और कौन लेके जाएगा। अब कुल मिला के सात लड़कियां गई हैं उनके साथ। क्या? उस दानव के साथ आपने लड़कियों को भेजा कैसे? अरे शर्म करो अंबिका, तुम दोनों में जो भी बीती हो उससे हमें कोई दरकार नहीं है। मास्टर जी भले आदमी हैं, उनका तो अपमान मत करो। भला आदमी काहे का? स्कूल के नाम पे गोरख धंधे करता था, मजबूर लड़कियों का फायदा उठाता था, अब जानती नहीं है उसे। बस अंबिका बस, अब हमारी जुबान मत खुलवाओ। तुम काले चरित्र की थी, इसलिए तुम्हें घर से निकाल दिया गया, और अब उस भले आदमी पे कीचड़ उछाले जा रही हो। मैं काले चरित्र की? इनके भी कपड़े नहीं है, ज्योति के भी कपड़े गायब है। सब लो। अरे घनश्याम, तुम इधर। सामान लेने आए। कौन सा सामान? ये सारा सामान बेचकर गए मास्टर जी, बोले बाद में लेकर जाना, और दूसरी चाबी भी दे गए थे। सारा सामान बेचकर गए? क्यों? पूछे तो बोले नया घर लेने वाले हैं, नया सामान खरीदेंगे। अगर कमलेश्वर एजुकेशनल टूर पर गया था तो फिर वो अपना घर और सारा सामान बेचकर क्यों गया, और उसकी बेटी ज्योति अपने सारे कपड़े बांधकर क्यों ले गई? अंबिका अपने पति को जानती थी, और उसे अंदेशा हो गया कि शायद इस बार वो पहले से भी ज्यादा घिनौनी कोई हरकत करने जा रहा है। आखिर वो सारी लड़कियों को लेकर कहां जा रहा था और क्यों, ये सोचकर कि कहीं ज्यादा देर ना हो जाए, अंबिका ने फौरन पुलिस का दरवाजा खटखटाया। कुछ कीजिए इंस्पेक्टर साहब, वो आदमी ठीक नहीं है। वो ठीक आदमी नहीं है, और तुम ठीक औरत हो, है ना? अभी सवाल ये नहीं है कि हम क्या है और क्या नहीं, सवाल ये है कि वो मेरी बेटी को अगवा करके लेके गया। तुम्हारी लड़की को लेकर? कोर्ट में तलाक हुआ है तुम्हारा? नहीं। तो फिर वो उसकी भी लड़की हुई ना, और एक बाप अगर अपनी बेटी को कहीं ले जाए तो उसे अगवा करना नहीं कहते, समझी आप? पर ज्योति अकेली नहीं है, उसके साथ छह और लड़कियां भी तो है। तो फिर वो छह लड़कियों के माँ बाप कहाँ, वो फरियाद करने क्यों नहीं आ रहे? वो हमारी बात नहीं मान रहे सर, आप बुलाइए और समझाइए उन्हें। देखिए, अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम यही धरना देंगे, आखिर मासूम बच्चों के भविष्य का सवाल है। ठीक है ठीक है, हम उनकी बात भी सुन लेते हैं। हमें मास्टर जी पर पूरा भरोसा है दुर्गा साहब। और जे उस देवता समान आदमी पर लांछन लगाना चाहती है। हमारी लड़कियां बिल्कुल सुरक्षित हैं साहब, वो धूमनगंज गई हैं, हमें सब पता है। तो अब आपका क्या कहना है? साहब आप मेरा यकीन कीजिए, वो आदमी बहुत चालाक है। माफ कीजिए मैडम, हम यकीन पे FIR दर्ज नहीं कर सकते। साहब जरा सोचिए कि कोई आदमी अगर शैक्षणिक प्रवास पे जा रहा है
तू अपना पूरा सामान बेच के क्यों जाएगा? फिर सामान बेचने से कोई क्रिमिनल थोड़ी ना बन जाता है। अगर आपके पास कोई और सबूत है तो लाइए। तुम अगर मुंह नहीं खोलोगे तो पता नहीं कितने और लड़कियों का शोषण करेगा वो कामिनी। मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हमारे साथ जो होना था वो हो चुका है। हम थाने जाके क्या कहेंगे, किस मुंह से कहेंगे? ये हमारे परिवार और हमारी जिंदगी का सवाल है। कोई भी अंबिका की बात सुनने को तैयार नहीं था। कमलेश्वर ने बच्चियों के माता पिता को ऐसी उल्टी पट्टी पढ़ाई थी कि वो उसे देवता मानते थे। पुलिस भी एफआईआर लिखने को तैयार नहीं थी क्योंकि कोई सबूत नहीं था। ऐसी विषम परिस्थितियों में कोई भी औरत बड़ी आसानी से टूट जाती, लेकिन अंबिका टूटने वालों में से नहीं थी। उसने खुद अपनी बेटी को ढूंढ निकालने का फैसला कर लिया और अपने 14 साल के बेटे गोपाल के साथ धूमनगज्जा पहुंची। भैया जरा ये देखना था ये फोटो, इस लड़की को देखा है आपने इधर कहीं पे? 6-7 लड़कियां होंगी, साथ में कोई मोटा सा आदमी होगा। अरे भैया जरा ये फोटो देखना, आपने इस लड़की को देखा है? वो लोग कारवी से यही आने वाले थे और फिर यहाँ से होके गंगा किनारे के दूसरे शहरों में जाने वाले थे। इसका मतलब जहाँ भी गए होंगे यहीं से होकर गए होंगे। आइसक्रीम वाला, ठंडा मीठा बढ़िया आइसक्रीम। अरे माँ मुझे आइसक्रीम खाने हैं। हरगिज नहीं है, हर बार सफर में कुछ ना कुछ ठंडा खा के अपना गला खराब कर लेती है और फिर बीमार पड़ जाती। हो गया भैया जी, एक आइसक्रीम दो। मत दिलाइए उसे आइसक्रीम, रहने दीजिए आप भी ना। क्या मत दिलाइए, एक आइसक्रीम खाने से कुछ भी नहीं होता। आइसक्रीम वाला भैया आप तो इधर ही घूमते रहते हो ना, जरा देखना तो ये लड़की को आपने देखा है क्या? 5-6 लड़कियों के साथ आई होगी, कोई मोटा सा आदमी होगा साथ में, उसे आइसक्रीम खाने का बहुत शौक था। हाँ सवेरे आके गए हैं जो, और इनके साथ तो 6-7 लड़कियां थी, उसमें से कुछ लड़की आइसक्रीम भी खा रही थी। अरे तभी कहां से एक लफंगा आ गया और लड़कियों को छेड़ने लगा। वो तो भगवान भला करे कि उसी समय हवलदार साहब आ गए और वो लफाका दिए हैं लफंगे को, वो मारे हैं, सारा जिंदगी भर ना ही भूलेगा। तो कहाँ गए वो लोग? सवेरे 8 और 9 के बीच में वो लोग बस पकड़े गए। बस कहाँ के लिए? कुछ तो बातें की होंगी उन लोगों ने। गाजीपुर की बस थी। गाजीपुर कैसे जाएंगे हम लोग? अरे अब तो गाजीपुर के लिए तो यहाँ कोनो बस आज नहीं है, अब जो भी बस मिलेगा आपको सवेरे मिलेगा। हमें जल्दी जाना है भैया। अगर आपको जल्दी जाना है तो ऐसा कीजिए कि आप ना बनारस का बस पकड़ लीजिए। अब बनारस से आपको कई सवारी गाड़ी मिलेगी गाजीपुर के लिए। शुक्रिया भैया। आइसक्रीम वाला, भैया ये लड़की को देखो, 6-7 लड़कियों के साथ आई होगी आज सुबह। हाँ कोई मोटा सा आदमी होगा उसके साथ, गंजा सा। नहीं भैया, भैया भैया सुनो, ये लड़की को आपने देखा है? ये गोरखपुर जाना है। हाँ लीजिए। लीजिए आप सब लीजिए, चलिए। अरे चलिए, क्या कर रहे हैं आप? शान कर रखा है, पूरा का पूरा मेरा धर्मशाला देखो बिगड़ा। क्या बात है भैया, क्या बात है? माफ कीजिए, माफ कीजिए। अरे माफ तो कर दिया लेकिन। अमलेश्वर इतनी जल्दी में क्यों? मंसूर भाई ऐसी बात है कि मैंने गाड़ी कर ली है,
और जल्दी निकलना है। मैं लड़कियों को बता के आता हूँ। तुमको पता है अंधा सपना मूवी में सलमान और आमिर एक ही लड़की से प्यार करते हैं और आमिर कितना क्यूट दिखता है ना। लड़कियों, अब हमारे कार्यक्रम में थोड़ा सा बदलाव आया है। हम लोग आज वापस नहीं जा रहे। क्यों? अरे भाई, आप लोगों को और घूमने का मौका मिलेगा। ओ। और आप लोगों को पता है कि हम लोग कहाँ घूमने जाने वाले हैं? गोरखपुर। अरे और सुनो, आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैं आप लोगों के पेरेंट्स से बात कर चुका हूँ। चलो चलो चलो, सामान पैक करो जल्दी। अरे लड़कियां, जल्दी करो, चलो पकड़ो बैग। चलो ज्योति चलो। अरे भैया सुनो, जरा देखना इस लड़की को, देखा है कहीं? बेटा पर्दा गिरा दो। अच्छा चल चलो, बहुत देर हो रही है। चलो जी नमस्ते। आपने इस लड़की को देखा है क्या? इसके साथ 6-7 और लड़कियां थी, एक मोटा सा आदमी था। हाँ, ये लोग तो अभी गए हैं यहाँ से। अभी? हाँ। पीजिए, पानी पीजिए। लेकिन कुछ तो पता होगा आपको, कहाँ गए वो लोग? मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ, मैं अपने अतिथियों के लिए जिस ट्रेवल एजेंसी से किराए की जीप मंगाता हूँ उसके मालिक को जरूर पता होगा। मैं उसे अभी बुलवाता हूँ। हाँ मैडम, हमारी ही गाड़ी से तो गए हैं वो लोग। किसको लेकर, कहाँ गए वो लोग? वो ड्राइवर बता रहा था कि कुछ 8 लोग थे और हाँ, उन्होंने कुछ खास पर्दे वाली जीप मंगवाई थी। ये भी बता रहा था कि उनके साथ कुछ लड़कियां भी थी। कहाँ गए वो लोग? गोरखपुर। हाँ मैडम, यहाँ से बहुत लोग गोरखपुर जाते हैं बाबा गोरखनाथ के दर्शन के लिए, और कुछ लोग बॉर्डर पार चले जाते हैं। बॉर्डर पार? गोरखपुर और बॉर्डर दोनों सटा हुआ है। आपका मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। धन्यवाद मैम। लेकिन वो लड़कियों को बॉर्डर पार क्यों लेके जाना चाहता है? आप आइए, मैं आपको बताता हूँ। बेटा तुम यही बैठना। बहन जी, आपको जितनी जल्दी हो सके इसी वक्त पुलिस स्टेशन चले जाना चाहिए। क्यों? तो मतलब आपको ये पता नहीं कि बॉर्डर के पार लड़कियों को ले जाने का मतलब क्या है? क्या? देह का व्यापार। लड़कियों को बॉर्डर के पार ले जाकर दूसरे देश के खरीदारों को बेच दिया जाता है। जैसा आप कह रही हैं कि उस आदमी की नीयत ठीक नहीं है, तो पक्का समझिए कि वो बॉर्डर पार जाकर उन लड़कियों को बेच देगा। वो बॉर्डर पार कर सके उससे पहले ही हमें उसे रोकना होगा। बहन जी, आप तो ऐसा कीजिए, जितनी जल्दी हो सके पुलिस में चले जाइए। लेकिन अगर लड़कियां कारवी की हैं तो FIR वहीं दर्ज होनी चाहिए। अब आप ही कुछ कीजिए ना साहब, बहुत बहुत कम है। अगर वो लोग बॉर्डर पार कर गए तो गजब हो जाएगा साहब। हेलो, कारवी पुलिस स्टेशन। गोरखपुर गए? हाँ, सारी लड़कियों के माँ बाप यहीं पर हैं। हाँ, हमने FIR दर्ज कर ली है, आप गोरखपुर पुलिस से बात कर लीजिए। ओके, हम अभी और इसी वक्त यहाँ से निकलते हैं। क्या हो साहब, कुछ पता चला? हाँ, वो लड़कियों को लेकर गोरखपुर गया है। गोरखपुर कहाँ है? हमें तो बताया गया था कि वो गंगा के किनारे का सेक्शनी प्रवास है। अंबिका ठीक कर रही थी, हमने उसकी एक न सुनी। हमारी बच्ची को बचा लीजिए साहब।
बचा लीजिए उन्हें। आप चिंता मत कीजिए, एफआईआर दर्ज हो गई है। हम गोरखपुर पुलिस को अलर्ट कर देंगे कि वो ऐसे किसी भी ग्रुप को बॉर्डर पार ना होने दें। आप निश्चिंत होकर जाइए। ये अंबिका की मेहनत और हिम्मत ही थी कि पुलिस को और लड़कियों के माता पिता को कमलेश्वर के षड्यंत्र के बारे में पता चल सका। उन्हें अब जाकर अंबिका की बात पर यकीन हुआ कि कमलेश्वर लड़कियों को एजुकेशनल टूर पर नहीं ले गया था, उसके असली इरादे कुछ और ही थे। पुलिस ने अंबिका को तसल्ली दी कि लड़कियां वापस आ जाएंगी, लेकिन जब सवाल अपनी बच्ची का हो तो एक माँ किसी पर भी भरोसा नहीं करती, फिर वो चाहे पुलिस ही क्यों ना हो। मिश्रा जी की मदद से अंबिका खुद ही गोरखपुर के लिए रवाना हो गई, लेकिन उस रात गोरखपुर की एक धर्मशाला में कुछ और ही हो रहा था। हेलो हेलो सर, कहाँ हैं आप? गोरखपुर पहुंच गए हम। सर यहाँ बहुत हंगामा हो गया है। हंगामा? पुलिस ने यहाँ करवी में एफआईआर दर्ज कर ली है और अब तक तो गोरखपुर पुलिस को भी बता दिया होगा। आप यदि इनके साथ रहे तो आप भी फंस जाएंगे। हमारा ऑपरेशन तो समझो अब खतरे में है। क्या बोल रहा है तू? और तू है कहाँ? करवी में? हाँ, मैं आपसे ज्यादा देर बात नहीं कर सकता, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, बॉर्डर बंद है, किसी राजनीतिक पार्टी ने बंद का ऐलान किया है। मुझे तो लगता है कल भी बंद रहेगा। अरे तो उसमें चिंता की बात क्या है, एक दिन और रुकते हैं, घूमते फिरते हैं, परसों बॉर्डर पार कर जाएंगे। अच्छा ठीक है ना? ठीक है, मैं वो लड़कियों को। हाँ बिल्कुल। डॉक्टर मंसूर, डॉक्टर मंसूर, डॉक्टर मंसूर, डॉक्टर मंसूर, कुछ गड़बड़ है। अरे भैया देखना जरा, कहीं दिखा इसको। ओ भैया भैया जरा देखना तो, कहीं देखा इसको? माँ मैं बहुत थक गया हूँ, कहीं रुक के आराम कर लेते हैं। आराम का वक्त नहीं है बेटा, वो लोग कहीं दूर चले गए तो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। दूर? लेकिन कहाँ? आपको किस बात का डर है? तेरा बापू बहुत बुरा आदमी है बेटा, इसी बात का हमें डर है। लेकिन तू जब बड़ा होगा तभी ये सब समझ पाएगा। चल ढूंढते हैं अभी। बापू ये सब और वो दूसरी लड़कियां, लड़कियां आ जाएंगी, बिल्कुल भी चिंता मत कर, ठीक है? चल। क्यों भाई इतनी जल्दी क्या है? अरे लड़की कौन है? ये मेरी बिटिया है। और दूसरी लड़कियां? दूसरी लड़कियां कौन कौन दूसरी लड़कियां? वही जिन्हें बॉर्डर पार ले जा रहा है। कौन सी लड़कियां? पुलिस से आग में चोली करते हो? तेरी खबर गाजीपुर से आ चुकी है, थोड़ी देर में पूरी पुलिस आने वाली है। पता अब क्या करना है? बिटिया तू वहां कुर्सी पे बैठ, मैं अभी हवलदार साहब से बात करके आता हूँ, ठीक है? हवलदार साहब, हवलदार साहब,
मुझे भी कुछ खिदमत का मौका दीजिए ना। मतलब चल ज्योति 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 मुझे बचा लो। अंबिका तू यहाँ क्या कर रही है? हाँ अंबिका तू मैं काम के बीच में टांग बता रहा हूँ। अंबिका देख तू ऐसा नहीं कर सकती, तू अपने पति को मारेगी। अंबिका अरे मेरी बात तो सुनिए साहब, इंस्पेक्टर साहब। कमलेश्वर की दी हुई जानकारी की मदद से पुलिस ने डॉक्टर मंसूर और उसके गिरोह को भी पकड़ लिया, जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी का काला धंधा करते थे। ये लोग भारत के विभिन्न प्रांतों से लड़कियों को बहला फुसला कर पड़ोसी देशों में ले जाते और फिर उन्हें विदेशियों के हाथ बेचते थे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए भारत सरकार ने ITPA यानी के इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट जैसे सख्त कानून बनाए, जिनके तहत अपराधियों को 7 साल से लेकर के आजीवन कारावास तक की सजा दी जा सकती है। इसके अलावा IPC की धारा 366A और 372 के तहत भी अपराधियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है। अंबिका की असाधारण हिम्मत की बदौलत ही इन 7 लड़कियों की जिंदगी बच पाई। लेकिन किसने सोचा था कि इतना सीधा साधा सा दिखने वाला एक शिक्षक, जिसे समाज में बहुत ही आदर और सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, वो इंसान की खाल में हैवान निकलेगा? ये घटना हम सभी माता पिताओं के लिए एक चेतावनी है कि जब सवाल अपने बच्चों का हो तो 100 बार जांचने परखने के बाद ही किसी पर भरोसा करें। लेकिन दोस्तों, कानून तभी असरदार होगा जब हम सब चौकन्ने रहेंगे। आज जरूरत है कि सभी बच्चों के माँ बाप, खासकर लड़कियों के माता पिता, बेहद सावधानी बरतें। तभी हम समाज में घूम रहे कमलेश्वर जैसे दरिंदों को पहचान पाएंगे और उनसे लड़ पाएंगे। अब मुझे सुशांत सिंह को इजाजत दीजिए। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान।